मध्य प्रदेश के सिंगरौली के थाना कोतवाली में हो रही इस बैठक के वीडियो को देखिए। इस बैठक में थाना प्रभारी के सामने कुर्सी पर बैठे एएसआई अचानक अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़े होते हैं और अपनी खाकी वर्दी को फाड़ने लगते हैं। मामला इतना बड़ा कि इस पूरे मामले पर बवाल मच गया। क्या है पूरा मामला, आप भी समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नाली विवाद को लेकर थाना प्रभारी के कक्ष में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नगर निगम के अफसर, पुलिस के अधिकारी और स्थानीय पार्षद मौजूद थे। इस दौरान नाली विवाद को लेकर स्थानीय पार्षद गुप्ता ने विनोद मिश्रा एएसआई पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि आपकी वर्दी तक उतरवा दूंगा। इस पर एएसआई अपना आपा खो देते हैं और उसके बाद कुर्सी छोड़कर वर्दी को फाड़ने लगते हैं। हालांकि मौजूदा लोग एएसआई को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिंघम बने एएसआई मानने को तैयार नहीं होते और वो अपनी वर्दी को फाड़ देते हैं और गंभीर आरोप बीजेपी के पार्षद पर लगाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप बैठक में तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि लोग स्थानीय पार्षद को भी समझाते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि पूरा का पूरा मामला सिंगरौली में एक नाली से जुड़े विवाद को लेकर है। नाली से जुड़े विवाद का मामला थाने तक पहुंचा और थाने प्रभारी ने इसको सुलझाने के लिए नगर निगम के अफसर, स्थानीय नेता और एएसआई को भी बैठक में बुलाया। लेकिन चर्चा के दौरान कुछ इस तरीके की बातें हो गई, जिस पर एएसआई भड़क गए और कुर्सी छोड़कर अपनी वर्दी को फाड़ने लगे। हालांकि ये पूरा का पूरा वीडियो 8 महीने पुराना बताया जा रहा है, जो अब निकल कर सामने आया है। लेकिन थाने के अंदर के इस वीडियो के बाहर आने के बाद अब पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और पुलिस महकमे ने इस पूरे मामले की जांच सिंगरौली एसपी को सौंपी है।